नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, आज मैं गोचरीय योगों की सीरीज में भद्रा योग के विषय में आपसे बात करूंगा। मित्रों, पंच महापुरुष योगों में भद्रा योग पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, जिसे आपने बहुत पसंद किया है। आज मैं भद्रा योग से होने वाली जो परिस्थितियां हैं उन पर जो लाभ है उसके लिए आपसे आग्रह करूंगा कि भद्रा योग वाला जो वीडियो है वो आप देखें। लेकिन जो ये तात्कालिक, जो बहुत सीमित समय के लिए ये भद्रा योग जो बन रहा है उसका लाभ वर्तमान में किसको होगा और किसको हानि होने वाली है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये किस प्रकार का लाभ होगा, देखिए मित्रों, मैं अक्सर आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह अपनी भाव राशि या अपने कारक तत्वों के आधार पर ही रिजल्ट देगा। अर्थात अगर हम किसी भी ग्रह के शुभ या अशुभ फलों की बात कर रहे हैं, उसका पूरा आकलन करना कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस प्रकार की स्थिति में है, ये पूरा आकलन करने के बाद हमें फाइनल जो राशि है, जो भाव बनता है और जो उस ग्रह के विशेष कारक तत्व हैं उनके आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। गोचरीय भद्रा योग मिथुन राशि में बन रहा है और भद्रा योग के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पंच महापुरुष योग हैं ये सभी के सभी हमें केवल और केवल जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि ये योग है तो आप राजा हो गए। डायरेक्टली कोई भी योग जो है आपको राजा तब तक नहीं बनाएगा जब तक उससे जुड़े हुए कारक तत्वों पे आप पराक्रम करके सही से उसका जो स्ट्रेंथ है और नहीं बढ़ा देते। तो मित्रों, ये भद्रा योग बुद्ध के कारक तत्वों को ही बढ़ाएगा, अर्थात हमारी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, हमारी लर्निंग एबिलिटी, हमारी कम्युनिकेशन और हमारा जो रिलेशनशिप जो होते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, इसके साथ साथ हमारे रिलेटिव्स के साथ जो हमारी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इवन हमारा व्यापार हो गया। मित्रों, शरीर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बुध ग्रह, इसके साथ साथ वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसके साथ साथ लर्निंग एबिलिटी जो हमारा इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, उसके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन सबसे ज़्यादा बुध ग्रह के अधीन रहता है। तो ये सभी चीज़ों पे ही विशेष रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, सबसे पहले जिनकी मिथुन लगन है उनकी लगन में ये योग बन रहा है। तो योगों की बात करूँ तो फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ कि ये जो पंच महापुरुष योग हैं अपनी राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि में होने पर ही योग बनते हैं। इसके साथ साथ अगर ये योग बनते हैं तो उनके अंदर ये भी विशेषता हमें ध्यान रखनी होती है कि वो केंद्र के अंदर ही बने। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं लूँगा मिथुन लगन वालों के लिए। मित्रों, मिथुन लगन वालों के लिए लगन में बन रहा है। देखिए, मिथुन लगन वाले व्यक्ति जो होते हैं थोड़े से अस्थिर स्वभाव के, अस्थिर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो कभी कुछ विचार करते हैं कभी कुछ विचार करते हैं, दो अति बात की तरफ वो उनका रहता है। इवन कम्युनिकेशन में भी, रिलेशनशिप में भी वो कभी कभी बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा कभी कभी एडामेंट, जिद्दी या एग्रेसिव भी मैंने देखे हैं। अक्सर उनको सही निर्णय लेने में किसी की सहायता की आवश्यकता रहती है। मैं क्षमा चाहूँगा अगर किसी को इस बात से कोई बुरा लगा हो, लेकिन मेरे को जो ज्योतिषीय समझ है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और जब ये अपनी ही राशि का कोई ग्रह बैठता है तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। ये समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बहुत बढ़िया है और ये मिथुन लगन में बनने के कारण से ऐसे लोग वर्सेटाइल क्षेत्रों में लर्निंग करेंगे। ये लोग अपनी सारी हॉबीज़, हैबिट्स और जहाँ जहाँ से वो सीख सकते हैं वहाँ वहाँ वो अपना लर्निंग का पूरा पूरा प्रयास उन्हें करना चाहिए। बहुत ही अच्छी शुभ स्थिति है इन लोगों के लिए, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। और ये सिर्फ और सिर्फ
3 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक का समय है, तो इन्हें इन दिनों में पूरी ताकत लगा के अपने इस योग का लाभ लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत दिन पड़े हैं, और एक एक पल को अगर आप सही दिशा में उपयोग करते हैं, लॉजिकल होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं, आप लर्निंग एबिलिटी बढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। क्योंकि इस समय जो सीखेंगे, इस समय जो आप अपनी हॉबीज़ में मेहनत करेंगे, आप अपनी क्रिएटिव आर्ट में मेहनत करेंगे, या कोई भी और चीज़ आपकी विशेष है, तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का। बहुत अच्छा समय है मित्रों, पूरा उपयोग करें, व्यर्थ ना जाने दें। और ज़्यादा लाभ लेने के लिए, क्योंकि बुध ग्रह का भगवान गणपति से सीधा सीधा संबंध है, भगवान गणपति के गणेश अथर्वशीष का जाप करें। इसके साथ साथ बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः, ये कर सकते हैं। गार्डनिंग करें, इसके साथ साथ अपने इन जो 16 तारीख तक की डेट है, नंगे पैर घास में चलना है, ये भी बहुत आपको लाभ देगा, ये सुबह के समय आप कर सकते हैं। और कुछ भी क्रिएटिव रिप्रोडक्शन का कोई काम हो रहा है, वहाँ आप इन्वॉल्व हो जाइए, आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत सीख सकते हैं, जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अपने सर्वश्रेष्ठ समय को व्यर्थ ना जाने दें मित्रों। इसके बाद ये योग मीन लगन के अंदर चौथे भाव में बनता है। चौथा भाव हमारे घर का होता है, सुख का, आंतरिक सुख का भाव होता है। ये हमें अपनी पूर्ण रूप से आंतरिक जो सुखों की बात होती है वहाँ पर समझाता है। तो घर का वातावरण बहुत जॉवियल रहेगा, बहुत हंसी मजाक वाला रहेगा, क्योंकि वैसे ही बुद्ध जो है उसको तो हंसी मजाक पसंद है, व्यंग करना, व्यंग करके दूसरों से मजे लेना, ये बहुत पसंद है। तो घर का वातावरण बहुत ही हंसी मजाक वाला रहने वाला है। आपका कर्तव्य है कि ये समय पूर्ण रूप से इसका उपयोग करें और एक पल भी व्यर्थ ना जाने दें। ये सर्वश्रेष्ठ समय है, इसका उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर की डेकोरेशन पे ध्यान दीजिए, गार्डनिंग पे ध्यान दीजिए। अपने घर में प्लांटेशन करते हैं, उनकी केयर करते हैं पौधों को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है और ये आपको पूरा उसका फल, शुभ फल देने वाला है। डोंट मिस इट। हम कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि एक सर्वश्रेष्ठ समय निकल जाता है, बाद में हम अपने मन ही मन में सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, तो वो वैसी स्थिति आप मत आने दें। सर्वश्रेष्ठ समय का पूर्ण लाभ लें, आपको इसमें एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए मित्रों। इसके और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। आपके घर में आप टीचिंग का काम शुरू कर सकते हैं। आप इस समय में लर्निंग के लिए भी बहुत बढ़िया समय जो है आपका, हम कह सकते हैं। देखिए, गोचरीय स्थिति में सूर्य साथ बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है। और इसके साथ साथ मंगल और राहु जो है एकादश भाव में बैठे हैं बुध देव के, और गुरु ग्रह जो हैं वो अपनी मीन राशि में बैठे हैं, वो भी सब राशि हैं, तभी इस समय सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन समय है। सभी इतने सारे ग्रह सब राशि होने पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब राशि होने पर तभी ज़्यादा लाभदायक हैं, ये आपके केंद्र या त्रिकोण में होंगे, तो केंद्र या त्रिकोण में होने पर ये बेहतरीन है। क्योंकि लगन में मीन में गुरु भगवान बैठे हैं, और चौथे घर में आपके मिथुन में बुध देव सूर्य भगवान के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा समय है। आप जितना समय अपनी इन क्वालिटीज़ को, जो बुध ग्रह से जुड़े हुए कारक तत्व हैं, बढ़ाएंगे, उतना बेहतर लाभ, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ आप ले सकते हैं अपने जीवन में। डोंट मिस इट। मैं तो ये कहूँगा किसी भी स्थिति में किसी को भी इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। थोड़ा समय है लेकिन बहुत उपयोगी हो सकता है। गणेश अथर्वशीष का जाप करें, नंगे पांव घास में घूमें, गार्डनिंग करें, पौधों की देखभाल करें, उनसे प्रेम से बात करें, तो आप देखेंगे नेचर से जो लोग बात करते हैं, नेचर उनको पलट के जवाब देती है। तो अच्छी बात करें, अच्छे अच्छे शब्दों में बात करें, प्रेम से बात करें, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला है मित्रों। इसके बाद ये जो राशि जो है सप्तम भाव में आ रही है, सप्तम भाव में आने का मतलब है धनु लग्न होना। मैंने पहले भी आपको बताया कि मिथुन राशि वाले ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत होती है डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड होंगे, अपनी बहुत सारी जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे संबंधित
पार्टनरशिप्स में आपको थोड़ा सा एक डिसीज़न मेकिंग में हेल्प चाहिए होगी, आपको चाहिए होगा कोई आपको आके कहे कि ये करो और ये ना करो, ये चीज़ आपका डिसीज़न ठीक है, सपोर्ट चाहिए होगी आपको। मित्रों इसके साथ साथ आपकी जो फैमिली लाइफ है वहाँ पर भी इसका प्रभाव मिलेगा। मैंने बहुत सारे ड्यूअल साइन वाली जो लग्न हैं या राशियां हैं वहाँ पर बैठे प्लैनेट्स को कन्फ्यूज़न में देखा है और ये महसूस किया है कि उनसे संबंधित निर्णय लेने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। जब तक कि कोई उन्हें आकर आगे बढ़ के सहायता नहीं देता वो निर्णय नहीं ले पाते। तो अब यहाँ पर आपको अपनी इन सब जो चीज़ें हैं उनका बहुत विशेष ध्यान रखना है। व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, बी एनालिटिकल, रीजनिंग करें, अपने आप से बात करें, फिर उसके बाद डिसीज़न लें। कहीं दिक्कत नहीं आएगी लेकिन निर्णय तो आप ही को लेना है। अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर आप वाकई ही कन्फ्यूज हैं तो किसी अपने बहुत प्रिय के पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे अपनी मन की भावों को बताएं और उनसे पूछें कि आपका क्या कहना है इसमें, तो वहाँ से आपको सहायता मिल जाएगी। मित्रों ये बहुत बढ़िया समय है, डोंट वेस्ट इट, आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है और इस अपॉर्चुनिटी को पूरा फ़ायदा उठाना है आपको। मित्रों कन्या लगन वालों के लिए ये जो है स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि ये 10वें घर में आ रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चिंतित हूँ क्योंकि कन्या लगन वालों के लिए ये राहु और मंगल जो है उनके अष्टम में आजकल गोचर कर रहे हैं, जो थोड़ी सी स्थिति मुझे चिंताजनक लगती है। इस योग के तो पूरे लाभ मिलने वाले हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, अपनी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट और आप जो हंसी मजाक का आपका जो आदत है, स्वभाव है, प्रकृति है, उसके आधार पर आप अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप किसी ऑफिस में जो छोटे लेवल पे जॉब करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लरिकल टाइप की जॉब है, या आप बैंकिंग में हैं, तो आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, आपको बहुत लाभ होने वाला है, इसका लाभ उठाएं। लेकिन मैं फिर वार्न करूँगा क्योंकि राहु और मंगल की जो गोचर चल रहा है उसमें आपको अपने एग्रेशन को काफ़ी कंट्रोल करके चलना है। अगर आपने ये कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये कहीं ना कहीं आपको व्यक्तिगत हानि भी पहुँचा सकते हैं और ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार की जगह पे भी ले जा सकती है कि कोई टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप कोई भी चीज़ करें उसकी वेल प्लानिंग करें, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है उसको करने का एक अपना सिस्टम डेवलप करें और उसके बाद कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों मैं आशा करता हूँ कि भगवान आप सबको हर जगह पर सुखी और खुशहाल रखे, आपके अच्छा स्वास्थ्य दे, आपको खूब तरक्की हो। इसी के साथ मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।